We will start with another few topics today. So we will start with story writing. I hope that you will be able to see the screen soon. डोंट लीव पेजेस फिलहाल आज जो करवा रहा हूँ वो लिख लीजिए आप बस फिर बाद में इंटरोगेटिव हैज बीन टॉट शुभ्रा इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको सिखा दिया गया है Siddhi, I have more work to do, beta. I cannot keep changing your name, right? Sir, itna sab padhane ka hai mere ko. Kahan bol rahe ho mere ko bhi ye sab karne ke liye? All right. So guys, nobody will write things right now. Okay, you will write it once you receive the recordings. So, अभी कोई कोई लिखेगा नहीं अभी हम खाली देखेंगे सो हाउ डू यू डेवलप स्टोरीज एंड यू नरेट एन एक्सपीरियंस सो फॉर डेवलपिंग स्टोरी व्हाट डू यू डू इज फॉर दिस यू गेट अ क्वेश्चन ओके वेयर यू विल जनरली बी गिवन द स्टार्टिंग और द कंक्लूडिंग सेंटेंस कंक्लूडिंग एज इन द एंड ऑफ अ स्टोरी एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप अ स्टोरी और नरेट एन एक्सपीरियंस The sequence of events in the story should flow naturally and easily in their order of occurrence. तो जो story आप लिखोगे उसमें आप जो भी events या incidents लिख रहे हो वो एक proper order में होने चाहिए एक chronological order में होने चाहिए okay? The name of the characters, events, situations, date, time of occurrence, etc. must be included in the story. आपकी स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए आपकी स्टोरी में नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए क्या इवेंट हो रहे हैं वो होने चाहिए सिचुएशंस होनी चाहिए डेट टाइम ऑफ अकरेंस ये सब आपकी स्टोरी में होना चाहिए द स्टोरी शुड बी शॉर्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स तो समझ लीजिए आप वन पेज से लेकर वन एंड हाफ पेज के अंदर आपकी स्टोरी हो जानी चाहिए एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर स्टोरी अ टाइटल टाइटल अच्छा देना मत भूलना तो मार्किंग स्कीम क्या होगी तो अगर आपने टाइटल और प्रॉपर बिगिनिंग दी है तो आपको वन मार्क मिलेगा अगर आपने जो भी आपको टॉपिक दिया उस पर अगर आपने प्रॉपरली इलेबोरेट किया है तो दो मार्क मिलेगा यानी तीन मार्क हो जाएंगे प्रॉपर ग्रामर एंड वोकैबुलरी यूज किया है तो एक मार्क और मिलेगा आपको और अगर प्रॉपर कंक्लूजन एंड लेआउट यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है तो आपको उसका एक मार्क मिलेगा टोटल फाइव मार्क्स हो जाएंगे ओके अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर एक दो तो मैं ना इसे आई फाइंड अ फ्रेंड सो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ Narrate your experience in about 8 words. Experience यानी किस चीज का experience करना है तो ending खाली यहाँ दी है ending ऐसा होना चाहिए and this is how I found out that a friend in need is really a friend indeed. बराबर तो guys whenever they give you a start or the end you have to make sure that you follow the instructions. अगर आपको दिया गया and this is how I found out that a friend in need is really a friend indeed तो आपको इसी से end करना है इसके बाद में अगर आप कुछ भी extra लिखते हो तो आपको सीधा जीरो मिल जाएगा और अगर आपको किसी एक लाइन से स्टार्ट करने बोला तो आपको उसी से स्टार्ट भी करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है आई फाइंड अ फ्रेंड यस नेहा वी आर डूइंग स्टोरी राइटिंग
I was new to the school. I was still smarting from the way I had rudely been snatched from the school I loved and transferred into the friendless, lonely school. तो स्टोरी शुरू ऐसा होती है कि नरेटर यानी कि मैं बोलता हूँ कि मुझे एक नई स्कूल में भेज दिया गया था और मैं अभी भी रास्ता ढूंढ रहा था उस स्कूल से जहाँ से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैं उस स्कूल से बहुत प्यार करता था और मुझे ट्रांसफर कर दिया था इस फ्रेंडलेस लोनली स्कूल में। गाइस कोई भी स्कूल फ्रेंडलेस या लोनलीनेस लोनली नहीं होती, जस्ट दैट आप पहले दूसरे स्कूल में थे, आपके सारे दोस्त वहाँ रह गए एंड नाउ यू हैव कम टू अ न्यू स्कूल, तो यू फील अ लिटिल ऑकवर्ड। बाकी बट स्टोरी में ऐसे ही बताया गया। द रेन्स ओनली फर्दर डैम्पन्ड माई स्पिरिट्स। डैम्पन्ड माई स्पिरिट्स का मतलब होता है द रेन्स ओनली स्पॉइल्ड माई स्पिरिट्स। सो आई एम पुटिंग आर्यन फ्रॉम विले पार्ले आउट ऑफ द लेक्चर फॉर पुटिंग दिस वीडियो ऑन। थैंक यू आर्यन। द रेन्स ओनली फर्दर डैम्पन्ड माई स्पिरिट्स मतलब रेन्स ने मेरे मूड को और खराब कर दिया। By the way, आर्यन फ्रॉम विले पार्ले को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने अपनी वीडियो ऑन कर दी थी और वो बार बार पॉपअप होती है और बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब करती है। तो आई एम रियली सॉरी, बट अगर आप ध्यान दें कि आपकी वीडियो ऑन ना हो तो आपको लेक्चर में रखा जाएगा। अगर आपकी तरफ से भी ऐसा बार बार वीडियो पॉप आउट होगी तो आपको भी निकाल दिया जाएगा। बट देन यू कैन गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड लिंक। वन डे इट वॉज रेनिंग हैवियर देन यूजुअल। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। स्कूल वॉज ओवर। द शॉफर केम टू पिक मी अप। द मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉफर इज द ड्राइवर। सो गाइज अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने कुछ अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए हैं, ठीक है, स्मार्टिंग फ्रॉम द वे, ट्रांसफर्ड, स्नैच्ड, डैम्पन्ड, चॉफर, ये अच्छे से वर्ड यूज करेंगे तो उसका आपको एक पक मिलता है। सो द चॉफर केम टू पिक मी अप। आई सैट इन द कार, टुक आउट अ स्टोरी बुक एंड वाज अबाउट टू बिगिन रीडिंग व्हेन आई नोटिस्ड करण वॉकिंग होम। तो बोलता है मैं बस बैठ के स्टोरी बुक पढ़ने ही वाला था, मैंने देखा करण घर पे जा रहा था। He had an umbrella, but even then the outpour had drenched him. Outpour मतलब बारिश, heavy rains had drenched him मतलब had made him wet. देखो इतने अच्छे-अच्छे words use किए गए हैं। I stopped the car and told Karan to hop in. तो मैंने गाड़ी रुकाई, करण को बोला आ जाओ अंदर। Hesitantly यानी कि थोड़ा न चाहते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए, he got into the car. We exchanged a few words and before long had reached his home. तो हमने थोड़ी बातें की एंड ज्यादा बात होने के पहले हम लोग उसके घर पहुंच गए। He got out and shyly waved his thanks. थोड़ा शर्मा कर क्योंकि नए दोस्त बने थे, उसने थैंक यू बोला। The next day I reached school early. Karan was in class. I had not finished my math homework and was worried. How is your maths? I asked him. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा उनका कॉन्वर्सेशन भी लिखा हुआ है। Can you help me? Eagerly he came over and began explaining sums. Eagerly का मतलब very keenly, बहुत excitement के साथ उसने आके तुरंत मुझे sums explain किए। Not only was he a wizard in maths, wizard as in an expert magician in maths, but he could also explain concepts with great lucidity. Lucidity यानी कि बहुत ही easy तरीके से वो मुझे concepts भी सिखा देता था। Slowly our friendship grew to, and today Karan is my best friend. This is how I found out that a friend in need is a friend indeed. So students, आपको समझ में आया story writing कैसे लिखनी है? Did you all understand? Do you have any doubt? Any doubt? Let us read another story. So here, develop a story with the following beginning. अब यहाँ पे beginning दी गई है। Beauty was a handsome cat and slowly grew very proud because everyone around her pampered her and made much of her. अब अगर आपने beauty was a handsome cat के बदले लिखा once upon a time there was beauty and beauty was a handsome cat, आपको तुरंत zero दे दिया जाएगा। उसके reason बहुत simple ये है कि आपको जो instructions दिए हैं आपको उसको follow करना। तो हम जो instructions दिए हैं उसी से शुरू करेंगे। So beauty was a handsome cat. और यहाँ पे टाइटल देख लीजिए, ब्यूटी लर्न्स अ लेसन। ओके, सो आपको टाइटल अच्छे अच्छे देने हैं, उससे आपको एक मार्क मिलेगा। सो ब्यूटी वॉज अ हैंडसम कैट हु स्लोली ग्रू वेरी प्राउड बिकॉज एवरीवन अराउंड हर पैम्पर्ड हर। पैम्पर्ड यानी कि सब उसको बहुत प्यार करते थे। एंड मेड मच ऑफ हर, मेड मच ऑफ हर यानी उसको बहुत ज्यादा तारीफ करते थे उसकी। शी वुड सिट इन वन प्लेस द होल डे एंड एक्सपेक्ट हर मास्टर
एंड मिस्ट्रेस टू फीड हर एंड लुक आफ्टर हर. तो वो एक ही जगह पे बैठा रहता था हमेशा, बैठी बैठी रहती थी और एक्सपेक्ट करती थी कि उसके जो ओनर थे, जो मास्टर हैं, वो पूरा पूरा दिन उसको खाना वाना खिलाते रहें और उसको फीड करते रहें और उसका ध्यान देते रहें. She did not think that she had to do anything in return. She was beautiful, wasn't she? Well, they could put her and admire, pat her and admire her all day if they wished to. तो वो बहुत खूबसूरत भी थी और उसको लगता था कि मुझे कभी भी रिटर्न में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों कुछ करूं, मैं ब्यूटीफुल हूं तो सब लोग मेरे लिए चीजें करने चाहिए, ऐसा उसको लगता था. Then one day, Moti joined their family. Moti was an ugly stray dog. So एक दिन मोती को लोग फैमिली मिला और मोती बेचारा एक स्ट्रे डॉग. स्ट्रे डॉग यानी जो स्ट्रीट पर डॉग्स होते हैं वैसा एक डॉग था. द मोमेंट ब्यूटी सॉ हिम शी टर्नड अप हर नोज ऑन एट हिम एंड इग्नोर्ड हिम. जैसे ब्यूटी ने उसको देखा, ब्यूटी ने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया, बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करना चालू किया. व्हाट एन अगली डॉग. हाउएवर मोती वॉज अ चीयरफुल एंड लवली डॉग. सो देयर इज आर्या फ्रॉम विले पार्ले. आई एम पुटिंग आर्या आउट. थैंक यू आर्या. So if there is a staff from Ville Parle in the meeting right now, I would just want you to know that Arya has been removed because the video popped up and as I mentioned, it disturbs. So Amberlin is asking me, sir, is it necessary to write the exact words given in the question? Because in the question, it was written really and in the story, it wasn't there. Yes, you have to write it exactly the way they've asked you to write. गलती से हो गया रहेगा यहाँ पर. But Moti was a cheerful and a loving dog. He jumped around the whole day. पूरा दिन वो खेलता रहता था. Wagging his tail and making a fuss of his master and mistress. तो वो दिन भर खाली अपने master and mistress के साथ खेलता रहता था. He was a good watchdog too. Watchdog यानी कि रात को अगर सब सो गए हैं तो वो अच्छे से ध्यान भी देता था घर का. And barked when any stranger entered the garden outside. कोई भी अगर बाहर आया तो बाग करता था. Then one day a strange thing happened. The mistress came back from the market and made a big fuss over Moti. She petted him and cuddled him and spoke about him to her friends. तो एक दिन मार्केट से उसकी मिस्ट्रेस आई और मोती को बहुत प्यार कर रही थी, उसको कडल कर रही थी और उसके बारे में दोस्तों से बोल रही थी. And he saved my life, she told them. He saved me from a thief who had knife in his hands. तो इसने मुझे बचाया एक दिन एक थीव से जिसके हाथ में चाकू था. मोती got a big bone and neighbors came in to pet him. तो मोती को बड़ा बोन मिला. आप सब जानते रहेंगे dogs love to eat and you know lick the bone. तो neighbors भी आते थे उसको प्यार करने के लिए. Your poor beauty was forgotten. पहले सब ब्यूटी के पीछे थे, अब सब कसम मोती के पीछे. She neither had food that day nor did anyone even bother to look at her completely. सबने उसको इग्नोर कर दिया था. That was the moment when beauty realized that we are known for our deeds and not for our looks. उस दिन ब्यूटी को मालूम पड़ा कि हम जो है ना इंसान या जानवर जो भी है वो अपने काम डीड्स यानी एक्शन से जाना जाता है ना कि उसके लुक्स से. दिखते तो कितने लोग अच्छे हैं बट सबके सब दिल के थोड़ी अच्छे हैं. आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ मे बी सर एपीजे अब्दुल कलाम. दिखने में इतने गुड लुकिंग नहीं थे बट जो उन्होंने इंडिया के लिए किया वो कोई गुड लुकिंग इंसान भी नहीं कर सकता. मदर टेरेसा नॉट सो गुड लुकिंग बट सच अ गुड वुमन एट हार्ट. राइट. सो गाइस दिस इज हाउ वी आर डन विद स्टोरी राइटिंग. आई विल रिपीट योर होमवर्क इज गोइंग टू बी to just write this part, okay, this part as you can see, and the marking scheme. Itna hi likhna hai aapko, baki ka aap dekh sakte hain. Yes, Shubhra, your story has to be in 3 paragraphs. Okay, is it clear everyone? Any doubts with regards to story writing? Surely no doubts. So now I will go to another writing skill.
वॉट डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट स्नेहा, डोंट टेल मी बेटा कि अभी सर आप 4:30 से लेके 4:53 तक जितना पढ़ा है सब रिपीट करो, ऐसा मत बोल करना बेटा। होमवर्क आर्गो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टू स्लाइड्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, फर्स्ट टू स्लाइड्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। Sir, after the paragraph, do we have to leave a line? See, if you start your paragraph from the margin, then you have to leave a line after every paragraph. If you leave two fingers gap, then you don't have to leave a line after the paragraph. Simple as that. Yes, Deepak, you can use, Yes, Deepak, you can use question tag sentences in your story writing. Aap sab kuch use kar sakte ho. Tabhi to aapko grammar sikhaya jata hai. Okay, students, now we go to information transfer. Once again, you will write whatever I tell you to write. Filhal kuch mat likhiyega. So, ये आपका homework है. आप homework में ये वाला part लिखेंगे जो आपके ऊपर slide है, जो first slide है, आप homework में ये लिखेंगे. So, what is information transfer? So, information transfer is the rewriting of the information given in one format into the other format. So, public को क्या usually format रहते हैं? दो रहते हैं. एक होता है verbal, दूसरा होता है non-verbal. वर्बल यानी कि पैराग्राफ, नॉन वर्बल यानी कि डायग्राम. सो देयर इज सो देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड अद्विका फ्रॉम डीएन नगर, इसका वीडियो ऑन था. मैं उनको निकालने जा रहा था बट लकीली उनका वीडियो ऑफ हो गया तो बच गई हैं. सो अद्विका, इफ यू आर हियरिंग मी राइट नाउ, इफ यू कैन लिसन टू मी, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक श्योर दैट योर वीडियो डजंट गेट ऑन वन सेकेंड और एल्स आई विल श्योरली पुट यू आउट. ऑल राइट, सो वर्बल यानी कि पैराग्राफ, नॉन वर्बल यानी कि डायग्राम. तो अगर आपको पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया गया है तो आपको उसको डायग्राम में डालना होगा, डायग्राम में दिया गया तो पैराग्राफ बनाना होगा. इफ यू आस्क मी सर, इफ यू गेट एन ऑप्शन विच वन शुड वी चूज, आई वुड से ऑलवेज गो फॉर वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी कि पैराग्राफ दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट करके डायग्राम बनाओ, उसमें आपका बहुत टाइम बचता है एंड यू ऑल्सो गेट मार्क्स फॉर नीटनेस और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता. So thus, if you are given information in the form of a tree diagram, table, points, graphs, pie charts, do's or don'ts, you will have to write a paragraph including all the information. This is non-verbal transfer. So, just मैंने आपको बताया, अगर आपको diagram दिया गया है, तो paragraph बनाइए. Paragraph ये तो diagram करना है. So, you might also be given a paragraph, and you will have to elicit the main points to frame a tree diagram or a graph or a pie chart. Or some other kind of visual representation containing all the information. This is verbal to non-verbal. तो अगर आपको एक पैराग्राफ दिया गया तो उसमें आपको पूरा का पूरा नहीं उठाना है, आपको खाली जो की वर्ड्स हैं वो आपको उठाना है और वो की वर्ड्स से आपको डायग्राम्स बनाने हैं. इसको बोलते हैं verbal to non-verbal. Do you have any doubts in this first slide of anyone? Remember, this is going to be your homework. Sir, what is a pie chart? Ambulin, I'll show you what is a pie chart. Don't worry. ये सब क्या होता है आपको बताऊंगा मैं. बट अभी तक कुछ डाउट है? नहीं है कोई डाउट. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. अब मार्किंग स्कीम क्या होगा? तो टाइटल वन मार्क टाइटल देना होगा आपको. इफ यू कवर ऑल द पॉइंट्स यू गेट टू मार्क्स फॉर दैट. अप्रोप्रिएट ग्राफिक लेआउट यानी बराबर ड्रॉइंग किया तो वन मार्क मिलेगा. ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है, नीट एंड टाइडी है तो वन मार्क मिलेगा. मतलब इस तरह आपके 5 मार्क हो जाएंगे. ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको लिखना है. Now here is some information about the Gulmohar and Banyan trees. Write the information in tabular form. So students, अभी ये गुलमोहर आपको दिख रहा है, ये जो पैराग्राफ है पैराग्राफ फॉर्मेट में है, यानी ये वर्बल फॉर्म में है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्बल फॉर्म में है तो आपको इसको क्लियरली यहाँ दिया गया, आपको इसको टेबल के फॉर्म में डालना है. तो गुलमोहर एंड बैनियन ट्री को टेबल के फॉर्म में डालना है. सो पहले हम क्या करेंगे, वी विल रीड और द गुलमोहर ट्री इज ऑफ मीडियम साइज. तो गाइस, हम लोग टेबल में एक कॉलम साइज का बना सकते हैं. इट हैज कंपाउंड लीव्स दैट हैव अ फेदरी अपीयरेंस. सो लीव्स का क्या स्ट्रक्चर है वो डाल सकते हैं, कलर ऑफ द लीव्स डाल सकते हैं, फ्लावर्स हैं कहीं डाल सकते हैं, फ्रूट्स के बारे में डाल सकते हैं, रूट्स के बारे में डाल सकते हैं और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डाल सकते हैं. बैनियन ट्री के लिए भी हाइट डाल सकते हैं, उनका कलर डाल सकते हैं, उनका शेप डाल सकते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स है कि नहीं देख सकते हैं एंड
उनका प्रॉपर्टीज क्या है वो डाल सकते हैं। तो अब देखिए टेबल ऐसा बनेगा, एक तरफ बनेगा गुलमोहर, एक तरफ बनेगा बैनियन। तो मेरा सबसे पहला आता है साइज। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज द साइज फॉर द गुलमोहर? तो आप देखेंगे तो गुलमोहर का साइज यहाँ दिया हुआ है मीडियम साइज मॉडेस्ट हाइट। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा दैट द गुलमोहर ट्री इज ऑफ मीडियम साइज मॉडेस्ट हाइट, पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा मैं इसको, खाली मेन वर्ड्स मीडियम एंड बैनियन ट्री लार्ज। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? सो टेल मी फ्रॉम द पैराग्राफ व्हाट विल द सेकंड कॉलम बी? सेकंड कॉलम क्या डालेंगे? ओके सेकंड कॉलम विल बी समथिंग अबाउट द लीव्स। तो हाइट भी है यहाँ पर, साइज मीडियम है याद रखिएगा, हाइट मॉडेस्ट है एंड हाइट टॉल है। तो साइज और हाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद हम लीव्स पे आएंगे। तो लीव्स कंपाउंड लीव्स हैं विद फेदर अपीयरेंस एंड ब्राइट ग्रीन। बैनियन ट्री के लीव्स कैसे हैं? दे आर लार्ज ग्लॉसी ग्रीन एंड एलिप्टिकल। अच्छा अभी लीव्स के बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स? देखिए लीव्स के बाद फ्रूट्स के बारे में आता है, फ्रूट्स के बारे में आता है और फ्लावर्स के बारे में आता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो फ्लावर्स पे आएंगे तो ब्राइट ऑरेंज रेड एंड येलो, इसके पास नो फ्लावर्स। फ्रूट्स पे आएंगे तो इसके पास कोई भी फ्रूट नहीं, बट इसके पास फिग्स होते हैं, बराबर। लास्ट आएगा रूट्स, तो लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज एंड यहाँ एरियल रूट्स। आप प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? नाउ रिमेंबर वन थिंग, ड्यूरिंग व्हेन यू राइट डू योर होमवर्क यू विल नॉट राइट दिस स्लाइड। ये स्लाइड जो क्वेश्चन की है ये आपको नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये स्लाइड लिखनी है जो टेबल आपके सामने है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यू विल राइट द क्वेश्चन इन द ब्लू फॉर्म ओवर हियर। आपको ब्लू क्वेश्चन दिखता रहेगा, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एवरीवन? ब्लू वाला एवरीवन कैन वी सी दिस पार्ट? ये आपको लिखना है, दिस पार्ट इज नॉट सपोज टू बी रिटन एंड देन यू विल स्ट्रेट अवे राइट दिस पार्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? सो आर वी क्लियर विद द टेबुलर फॉर्म? एनी डाउट्स विद द टेबुलर फॉर्म एनीवन? एनी डाउट्स विद द टेबुलर फॉर्म? एनी नो डाउट्स? नो डाउट्स? नो डाउट्स? चलो Now the next one is read the information given below and prepare suitable diagram showing this information. तो अब suitable diagram मतलब क्या? तो यहाँ Mr. Fulham maintains the following diet for his daily afternoon meal. He has 100 grams of vegetables, 100 grams of lentils, 150 grams of rice, and another 150 grams of chapatis and salad. Mr. Dalvi purchases his food from a poli bhaji kendra. He pays rupees 10 for the vegetables, rupees 10 for the lentils and rupees 10 for the rice. He has four chapatis that cost him rupees 10 and salad that costs him the same amount. So students, kabhi bhi yaad rakhiyega, whenever you have numbers, kabhi bhi numbers ki bari aayegi. So numbers mein hum hamesha banayenge pie diagram, pie chart. Okay, tab ye pie chart kaise banega, wo dekhte hain. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यू विल सी मिस्टर फुले मेंटेन्स द फॉलोइंग डाइट, बराबर। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ द ग्राम्स दैट यू सी? 100 प्लस 100 200, 150 प्लस 150 300। सो मिस्टर फुले का जो डाइट है वो टोटल 500 ग्राम्स का है, बराबर स्टूडेंट्स? बराबर टोटल 500 ग्राम्स का है, एम आई राइट? तो हम पहले एक सर्कल बनाएंगे। अब 500 ग्राम्स में यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, दिस चपातीज एंड सैलड हैज टू बी 150 ग्राम्स आई थिंक, जस्ट अ सेकंड। हाँ ये द बाय मिस्टेक 100 लिखा हुआ है, ये 150 ग्राम का होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल बी डू इज यू विल ड्रॉ अ सर्कल इधर विथ योर बैंगल और विथ योर सर्कुलर और वट एवर, देन द नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज You will divide. Wait, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं।
जनरली वापस गलती हो गया मेरे से। ठीक ओके, कैन एवरीवन सी द व्हाइट बोर्ड ऑन द स्क्रीन? कैन एवरीबॉडी सी द व्हाइट बोर्ड ऑन द स्क्रीन? या सो व्हाट आर माय नंबर्स? माय नंबर्स आर 100, 100, 150, 150, बराबर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आई विल ड्रॉ अ सर्कल। प्लीज फॉरगिव माय सर्कल, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। तो ये मेरा सर्कल बन गया, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे हम। नाउ गाइस, इफ आई अज्यूम द एंटायर एरिया ऑफ द सर्कल टू बी 500, बराबर, पूरा एरिया ऑफ द सर्कल इज 500। So if I divide 500 into four equal parts, what will each part be? What will the area of each part be? अगर मैं 500 को इस circle अगर मैं 4 में divide करूं, if I want to divide the circle into four parts, yes, तो एक हर एक part 125 का रहेगा, 125 का। So can I say students? Just a second. Oh, just a second, guys. ये हो गया मेरा सर्कल। अब सही है एवरीबॉडी? सो नाउ इफ आई हैव टू मेक फोर डिविजन्स, सो दिस बिकम्स 250, दिस बिकम्स अनदर 250, सो एवरीथिंग इज 125। Is this clear, everyone? ये clear है आप सबको? Okay, so what is 100 grams for? 100 grams किस चीज का मुझे बताओ जल्दी से। 100 grams किस चीज का है? जल्दी से मुझे बताओ 100 grams किस चीज का है? Vegetables and rice. Okay, so lentils and chapati का 150 है, right? तो पहले हम अच्छा, सो 100 एंड 150 में से विच इज द बिगर नंबर? 100 एंड 150 में से विच इज द बिगर नंबर? 150, राइट? तो पहले हम, सो नाउ गाइस, कैन आई से दैट दिस पार्ट, कैन यू सी दिस पार्ट एवरीवन? दिस पार्ट इज 125. सो इफ दिस पार्ट इज 125, if this part is 125, can I say 150 would be somewhere around here? Barabar. तो अब मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो मैंने लाइन दिए ड्रॉ किए ना चारों भी, ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये मैं आपको खाली आपको समझा रहा हूं। तो आपको यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ करनी है और फिर यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे somewhere over here. Am I correct? Am I correct, everyone? Okay. Now, up 125 का 150 तो मैंने यहाँ लिया, तो can I say this is 100? Can I say this is 100? This part is 100. बराबर? तो can I do one more thing then? Can I take this line and draw it over here? So can I say even this part will also be 150? This and this both will be 150 and this both will be 100. Barabar. So I will write 100 and 100 for vegetables. Okay, अभी जो 100 for vegetables, 100 वाला कहाँ पर है? So 100 वाला is somewhere over here. तो अभी हम टेक्स्ट को डालेंगे यहां पर, सो 100 फॉर वेजिटेबल्स पूरा लिखेंगे हम। दिनेश फ्रॉम डीएन नगर, इफ यू वांट मैथ्स लेक्चर यू कैन
स्ट्रेट अवे लीव द लेक्चर राइट नाउ, आई हैव नो प्रॉब्लम्स बेटा, ठीक है? सो यहाँ 100 वेजिटेबल्स आ जाएगा। अब हम जाएंगे यहाँ पर 100 आ जाएगा राइस का, एंड देन वी विल गो अ लिटिल हियर, यहाँ 150 आएगा चपाती, एंड देन वी विल गो हियर and we'll have 150 for lentils. समझ जाना गाइस, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपको दिखाने में, बट आई होप यू अंडरस्टूड ये वाला कहाँ पर आएगा। सो 150 lentils will be here, 150 chapati will be here, 100 for rice here and 100 vegetables here, and then we will also write the title. एक टाइटल लिखेंगे यहाँ पर, This is Mr. Phule's diet. Is this clear to everyone? Clear hai, sabko samajh mein aaya hai? Okay. Now guys, let us go to another part. Just a second. To hum abhi yahan par aate hain. Okay, what is the next thing about? The next thing is about Mr. Dalvi's expenses on food, right? So can you please tell me kaun sa cheez ka number kya tha? Do you remember? Do you remember? सब कुछ 10, 10, 10, 10,000, 5 things of 10, right? So 50 को अगर मैं 5 में divide करूँ, if I divide 50, sorry, into 4 parts, 50 into 4 parts, तो कितना होएगा? एक part का कितना होएगा? 50 into 4 parts, बाबा, what mathematics are you doing? 50 का 2 part 25 होता है, तो 12.5 होएगा. So let us assume that ये जो है ये 50 है और ये अभी सब 25 हो गया, बराबर समझ में आया everyone? This entire part is 25, 25, sorry, this is all 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, बराबर। अगर अब मुझको 10 चाहिए, 10, सो मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ अ लाइन, समझ लो ये 10 हो जाएगा, बराबर। फिर वैसे ही एक मिनट, फिर दिस विल बी अनदर 10, एम आई राइट स्टूडेंट्स? 10, दिस विल बी अनदर 10, एंड This will be another 10. तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लाइन को मिटा दूंगा। Now guys, these are all 10, 10, 10, 10, right? कितना parts हो गए? 6 हो गए। तो अभी हमको इसको थोड़ा सा divide करना पड़ेगा, थोड़ा सा sensibly divide करना पड़ेगा। Okay? So we'll cut this line and we will make 5 parts. Just a second. So these are my 5 parts. Approximately सब same है. Approximately सबका size same है. और इसके अंदर भी आप वो सब डालोगे, 10 rupees का ये, 10 rupees का ये, 10 rupees का, 10 rupees का ये, and you will write a heading up there. So is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Okay. So now I would go and share my screen so that you can all. See this. So now students, check this out. Barabar, is it clear everyone?
समझ में आया? तो आप अंदर ऐसे जब लिखेंगे एंड यू मिस्टर दलवीज लंच एंड इट्स एक्सपेंस. ऑलराइट एवरीवन, बढ़ेंगे आगे. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पाई चार्ट नाउ? सो वंस अगेन, यू विल नॉट राइट द क्वेश्चन, यू विल जस्ट राइट दिस. ये खाली आप बनाएंगे. Now read a paragraph and write it in the form of do's and don'ts. So yahan par do's and don'ts hai. Good mobile phone etiquette is similar to common courtesy. Here are some ways by which you can make yourself an agreeable mobile user. While dining at a restaurant, avoid making your mobile an obvious present. So ye nahi karna hai, ye don't hai. Okay, fir wait till the meal. In case the call is important, apologize to the company. Ye do's hai. There are universal zones such as theater or public. You cannot use the phone. Ye don'ts hai. Aisa ko do's and don'ts samajhne hai. Phir do aise boxes banenge. Do's mein ye sab aayega aise, don'ts mein ye sab aayega. So do's mein you will. Now there are some teachers who say ke do's mein do not write do's and don'ts mein ye don'ts hai. Khali upar do's and don'ts likh dene ka. And then just avoid writing don't and write don't. Fir yahan pe make your mobile an obvious presence, don't text or. To ye don't jo hai yahan par rehne do. Ye jo part hai yahan pe don't and do bar bar mat likho. So you will have to ask your teacher about it. And yeah, iske bare mein aapko kuch bol nahi sakta. So do's and don'ts are pretty simple. Do you have any doubts on this, guys? Koi doubt hai isme? If anyone has a doubt, you can message. I'm waiting right now. Jaldi se message kar do please. Then there are some students in 8th standard who have been learning English since ages, but abhi bhi wo log wo jagah pe message kar rahe hain jahan maine likha hi nahi hai message here. आदित्य हरिया, इफ यू हैव अ डाउट, आई टोल्ड यू नो बेटा, डाउट लिखो अपना. व्हाट पार्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स? आदित्य हरिया, डू यू अंडरस्टैंड, आई एम आस्किंग यू टू नॉट मैसेज मी ऑन द अदर प्रोफाइल. यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है एक चीज, दिख रहा है बेटा आपको? टॉप पे देखो, पार्टिसिपेंट है, टॉप पे जाकर देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है एम ई एस एस ए जी ई एच ई आर ई, जिसका मतलब होता है मैसेज हियर, यहां मैसेज करें. अब पूछिए क्या डाउट है आपको. वी हैव टू राइट डू एंड डोंट्स इन द आंसर. That's what I was saying, Aditya Haria. Answer में बार बार do's and don'ts लिखने का जरूरत नहीं. मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि काफी लोग बोलते हैं लिखने के लिए. You will have to ask your teacher कि ऐसा करना है कि नहीं करना है. Some teachers say कि लिखिए हर बार, some teachers say कि मत लिखिए. So get this confirmed with your school teacher. Now we go on to the next one. Given below are some facts about modern Olympic Games. The order of information is jumbled. So, जो भी information jumbled है, यहाँ वहाँ arrange करो इसको order में और flow chart बनाइए. तो अब यहाँ arrange कैसे करना order में? So guys, सबसे पहले the games begin with the arrival of the stadium of a runner carrying the torch ignited at Olympic Greece. Women athletes first competed at the Olympic Games in 1928. In 1895, a French monk, Father Didon, coined the sporting slogan of the Olympic motto. The first modern Olympic Games were held in 1896. 241 athletes from 14 countries competed in the first games held in Athens in Greece. The games are held in different countries in turn, the host being chosen by the International Olympic Committee. Tab yahan pe sabse pehli cheez kya hui hai guys, sabse pehli cheez kya hui hai, which is the first thing that has happened? Tell me the year that you see. Sabse earliest year kya hai? Sabse earliest year kya hai? 1895. So 1895 में क्या हुआ था? A French monk coined the sporting slogan for the Olympic motto. तो ये पहला आएगा. फिर second year कौन सा दिख रहा है आपको? Second वाला वो है 1896,
where the first Olympic Games were held in Athens in Greece. The third one is 1928 when the women athletes first competed in the Olympic Games. तो अभी आप पहले टाइटल डालेंगे फैक्ट्स अबाउट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड नाउ यू विल मेक इट लाइक दिस. सो 1895 स्पोर्टिंग स्लोगन फॉर द ओलंपिक मोटो कॉइन्ड बाय फ्रेंच मंक. 1896 द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड. 241 एथलीट्स फ्रॉम 14 कंट्रीज कम्पीट इन द फर्स्ट गेम्स. द गेम्स बिगिन विद द अराइवल ऑफ द स्टेडियम ऑफ अ रनर कैरिंग द टॉर्च. 1928 फर्स्ट टाइम वुमेन एथलीट्स कम्पीटेड. And the last one, the games are held in different countries, wala part. So what will you do? You will put all of these points in the box. Aur har ek box ke barabar beech mein ek downward pointing arrows. Agar isme se kuch bhi galat kiya aapne, to aapka marks kat sakta hai. So isme sabse pehle aap kya karenge? You will arrange all the events in a proper order. And then put the keywords in the box. And all the boxes will have downward pointing arrows. Is this clear, everyone? Any doubts? Logical doubts? If you have any doubts, you can still ask me. I have no problems. बस ट्राई करना कि लॉजिकल रहे हैं आपके डाउट्स. वही चीजें बार बार ना पूछें बस. ओके अनदर टाइप ऑफ information transfer is just a second. Okay, another type is called tree diagram. So students, in tree diagram what will happen is a paragraph will be given to you. So for example, if I say this is how your paragraph would be living things are classified into creatures are classified into two types. Okay. Or things are classified into two types. So, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा things. अब things are classified into two types. So, what will those two types be? Living things and non-living things. So I would draw this barabar. And then I'll draw this. ओके अब यहां पर मैं लिखूंगा नॉन लिविंग. ओके इज दिस क्लियर एवरीवन. देन द पैराग्राफ दे वुड से लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड यू नो प्लांट्स. सो मैं यहां पर वापस से आई विल ड्रॉ द लाइन. एंड यू विल हैव टू ड्रॉ द एरोज. यहां पे एरोज बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पॉसिबल नहीं है करना ये, इसके लिए मैं कर नहीं पा रहा हूं.
ओके अब इसके बाद में हम डालेंगे टेक्स्ट. तो लिविंग में क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या आएगा लिविंग में? सो वी विल हैव वर्ड्स, देन वी विल हैव एनिमल्स, एंड देन वी विल हैव प्लांट्स. बराबर. अब नॉन लिविंग थिंग में बोलूंगे, बोला समझो कि नॉन लिविंग थिंग में एनीथिंग दैट डजंट मूव इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो वी कैन राइट मे बी, एक मिनट. हाँ हाँ तो इसमें समझिए, वो लोग बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में यू विल हैव फर्नीचर एंड टेबल वेबल. ठीक है, तो ये वो हो गया. फिर उन्होंने बोला एनिमल्स के भी टाइप्स होते हैं, तो हम जाएंगे एनिमल्स के टाइप्स पर. तो ये हुआ एनिमल्स के, अब टाइप्स बनाएंगे हम. अब एनिमल्स के टाइप होते हैं सोशल, यानी कि ह्यूमंस, फिर होते हैं वाइल्ड एंड देन होते हैं डोमेस्टिक. सो गाइस, इज दिस क्लियर एवरीवन? समझाना क्या करना है बेसिकली आपको, आपको हर एक क्लासिफाई करते जाना है. तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको क्लासिफाई करना है, सिंपल एज दैट. ओके, we'll go back to our PPT. Now we go to non-verbal to verbal. Marking scheme है, title 1 mark, user given points 2 marks, grammar 1 mark, appropriate language and conclusion 1 mark. तो इससे आपको 5 mark मिलेंगे इसमें. अभी यहाँ पे एक fact file दिया गया है coconut tree का. You have to put all of this into a paragraph. तो इस सब information आपको use करके paragraph बनाना है. तो पैराग्राफ ऐसा बनेगा, द संस्कृत नेम्स ऑफ कोकोनट, कोकोनट हैज वेरियस नेम्स, द संस्कृत नेम इज नारिकेला, द हिंदी नेम इज नारियल, द साइंटिफिक नेम ऑफ द कोकोनट इज कोकोस न्यूकिफेरा, द कोकोनट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पामे और द पाम, कोकोनट्स ओरिजिनेटेड इन द इंडो पैसिफिक ओरिजिन ईदर अराउंड मलेशिया or the Indian Ocean. Usually the height of a coconut tree is around 15 to 30 meters in plantations. The coconut trees usually grow in tropical and subtropical coastal regions, especially near sea beaches, which are found along coastlines. In India, coconut trees are also called Kalpavriksha, or the trees of the heaven, because of its many uses. ऐसे आप पैराग्राफ बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया. The Sanskrit name of the coconut is Narikela, while in Hindi it is known as the Nariyal. Its scientific name is Coco nucifera, and it belongs to the palm family known as Palmae, Palmas. This tree is of Indo-Pacific origin, either around Malaysia or the Indian Ocean. In plantations, this tree can grow from 15 to 30 meters in height. It usually grows well in tropical and subtropical coastal regions. It is especially found near sea beaches and along coastlines. In India, this tree is known as the Kalpavriksha, or the tree of heaven, because of its many uses. So guys, for non-verbal to verbal, इतना ही है. आपको पैराग्राफ बनाना है और आप उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते. You'll have to draw paragraph. Okay. Another example I will give you. Study the flow chart. तो ये आपका तो फ्लो चार्ट जो हमने पहले बनाया था वैसे आपको दिया गया है. एंड टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर फॉर सैनेट 10th. बराबर. तो पहले टाइटल देंगे, द एडमिशन प्रोसीजर फॉर सैनेट 10th, एंड देन यू विल स्टार्ट. द एडमिशन प्रोसीजर फॉर सैनेट 10th इज एज फॉलोज. स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन द फॉर्म्स फ्रॉम विंडो नंबर 1. बराबर. सबसे पहले ये करेंगे. विंडो नंबर 2, स्टूडेंट्स में डू द अटेस्टेशन ऑफ सर्टेन फॉर्म्स.
If required, forms are to be submitted at window number 3. Then the waiting list will be displayed on June 25 and the admission formalities will be completed from 26 June to 30th June between 11 a.m. to 2 p.m. At window number 4, you may collect the form they have submitted, and the submission of the form filled with all the details and payment of fees is to be done at window number 5. Simple hai. But mera aisa kehna hoga, advice hogi ki aap diagram banaye, wo thoda zyada aasan hoga aapke liye. Baki aapki choice hai, problem nahi hai. So any doubts with non-verbal to verbal? Okay, so now I had received the portion that was left for all of you, and in that there was transformation of sentences, which we are done with. So jo left out portion tha usme tha transformation of sentences, fir uske baad mein tha स्टोरी राइटिंग जो मैंने करा दिया, स्पीच राइटिंग एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. तो ये सब कुछ तो मैंने करवा दिया है एज पर व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैड रिसीव्ड. इसके अलावा इफ यू पीपल हैव समथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन राइट द टॉपिक इन द चैट टुगेदर. एक एक करके नहीं भेजना है आपने. आपको जितने भी टॉपिक्स आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं हुए हैं, वो आप अभी लिखेंगे और आपके एग्जाम के डेट के साथ लिखेंगे. Hitesh, I don't remember. Students, are we done with report writing? क्या report writing किया हमने? How many of you have report writing? Raise your hands. Raise your hands. How many of you have report writing? हाथ raise करके रखना ऊपर ही, so that I can see everybody. How many of you have report writing? After then give me 2 minutes, I will do it for you. All right, students, I'm doing report writing also for you now. Okay, Shubhra, let me finish this first. Students, are we not done with remove to and use not only but also? Are we not done with remove to and not only but also? क्या हमने किया है? Not only but also and remove to. Okay, so Devin, don't worry. Your exam is on 7th of November, right? उसके पहले मैं करवा दूंगा. पर वैसे भी कुछ जैसे विले पाले से वेद बोल रहे हैं कि वी हैव डन इट. There's a Karva from Vikrol is saying, sir, we've done it. But Vedika from DN Nagar says, no, we are not done. Anyway, Devin, you have time, right? So main aapko karwa dunga, don't worry. Then Chandan from Vilepale says, we are done with it, sir. Ved says, sir, it was in paper also. Garvi from DN Nagar says, nahi hua hai. Khatkopar se Adil bolte hain, hua hai. Chale, theek hai, main dekhta hu. Agar hua rahega, to I'll forward the links. Anyway,
So guys, we'll go come to report writing now. Friend, report writing, you have to give an account of something that you have heard, seen, done or experienced. It is something that is written for others to read. Thus, you will be asked to write reports to be put up on the notice board, to be published in the school magazine, or to be sent to some other school for the students there to read. You may also be asked to write reports for news magazines, journals, or newspapers based on the given headline. Report writing may be about projects or activities you or your class is involved in, or about happenings in and around your school. It may also be about local incidents. So there are some students writing to me that, sir, hum logo report writing nahi hai. So let me tell all of you, report writing will not be repeated after today. Aaj report writing kara raha hu, agle baar nahi karunga wapas se, kyunki main aaj kara raha hu already. So baki ye bhi aapki marzi hai, aapko likhna hai, dhyan dena hai, aap dijiye. Report writing will not be repeated. I'll repeat, report writing will not be repeated. क्योंकि जिनको आज है उनको तो आज है, बट जिनको आज नहीं उनको कल कभी ना कभी आने वाला है. सो पे अटेंशन. सो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट. आपको ये लिखना पड़ेगा गाइस एज अ होमवर्क. अ रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए, अबाउट 20 लाइंस, एंड प्रिसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए उसमें. ओनली एसेंशियल फैक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड, जो जरूरी के फैक्ट्स खाली वो लिखने हैं आपको. The headline of a report must be catchy. So headline hota hai bada attractive hona chahiye. It should give the gist of the report in minimum possible words. Jitna possible words mein ek idea thoda gist matlab thoda idea milna chahiye reader ko ki yaar is report mein ye hone wala hai. The byline, that is the next line, will be the place and the date of the event, occasion, name of the reporter, etc. Ye cheeze deni hoti hai at the beginning of the first line. Main aapko bataunga kaise. The introduction would usually be called the introductory paragraph, which must contain the in answers, brief answers to questions like where, when, why, who and how. So, matlab, where did the event or the occasion happen, when did it happen, why did it happen, who were there, how did it happen. Ye sab aapko batana padega. Students, ye jo hai pura part aapko likhna aapka homework hai. Ye wala part bhi. In guidelines for writing the report mein 6th point aayega. Name or designation of important officials or guests involved should be mentioned. So agar aapke school mein chief guest banke prime minister aaye to aapko likhna padega, the honorable prime minister of the country Mr. Narendra Modi was the chief guest of the event. To aapko unka post likhna padega. Agar aap bolte hain ki chief minister aaye the, so the honorable chief minister of the Maharashtra state Shri Uddhav Thackeray had attended the meeting, aisa aapko likhna padega. Reasons for the success or failure of the happening should be given. जो भी हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ वो आपको बताना पड़ेगा क्यों हुआ. फैक्ट्स अबाउट द इंसिडेंट और प्रोजेक्ट शुड बी मेंशन इन द ऑर्डर ऑफ द इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंट है वो आना चाहिए. वेरी ऑफन द पैसिव वॉइस इज यूज, यू नेवर यूज एक्टिव वॉइस, यू ऑलवेज यूज पैसिव वॉइस. रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द इवेंट ओकेजन शुड नॉट कलर द रिपोर्ट. यू शुड नेवर राइट आई फील दैट द ओकेजन वॉज रॉन्ग, आई फील गवर्नमेंट शुडंट हैव डन दिस, ये नहीं लिख सकते आप. आपका ओपिनियन नहीं लिखना आपको. बट यू मे कंक्लूड बाय गिविंग कोट्स फ्रॉम अदर्स टू गिव द रीडर एन ओवरऑल पिक्चर. हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो दैट द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ द कंट्री सेड दैट इफ स्कूल्स कीप ऑर्गेनाइजिंग सच इंटर स्कूल स्पोर्ट्स एट दिस लेवल इंडिया विल सून स्टार्ट विनिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स. हाँ, ये आप लिख सकते हो कि दूसरे ने क्या बोला. अगर एक्सीडेंट हुआ तो आप बोल सकते हो द विक्टिम वॉज कोटेड सेइंग I was standing at the signal when I suddenly saw that a truck was racing towards me and it also looked like it was out of control and the brakes were not working, but fortunately somebody pulled me and I could save my life. So aap aise quotes likh sakte hain, but aapko kya lagta hai aap nahi likh sakte. In the report writing example that follows now, you are expected to study the style, construction, vocabulary. To ab dekh lijiye report writing kaise likhte hain. So the marking scheme would be title and proper beginning 1 mark, elaboration of the idea 2 marks, use of appropriate grammar and vocabulary 1 mark, proper conclusion and layout 1 mark. So it's 5 marks ka banega. So now you will read the following news report published in the
reading newspaper. Saint Agnes shows the way. Nashik, December 25. Saint Agnes, one of the largest schools in the city, has been quietly and successfully conducting an adult literacy campaign. Over 200 adults have been attending these classes. The adult students are provided with books and other necessary material free of cost. It is to be hoped that many other schools too take up similar projects. अब इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है. ओके, सो यू आर हेल्पिंग योर टीचर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लिटरेसी प्रोग्राम इन योर एरिया. द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स वांट टू नो द मेथड्स यू हैव एम्प्लॉयड टू मेक द स्कीम अ ग्रैंड सक्सेस. प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन अबाउट 20 लाइंस गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंपेन. तो आपने अपने टीचर को हेल्प किया ये कैंपेन करने में, तो एक रिपोर्ट बताएं बनाइए. तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर. सबसे पहले आई हैव रिटन, सॉरी जस्ट अ सेकंड, सो आई हैव रिटन द हेडलाइन एडल्ट लिटरेसी शिविर एट सेंट एग्नेस स्कूल. इन द नेक्स्ट लाइन डू यू सी नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, शालिनी पाल स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9th. ये जो जो रिपोर्टर है वो उसके नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड पे प्लेस मंथ डेट पीएमडी नाशिक कॉमा जनवरी 7 कोलन एंड देन यू विल स्टार्ट. द एडल्ट लिटरेसी कैंपेन कंडक्टेड बाय सेंट एग्नेस स्कूल वाज क्वाइट अ हिट. The brainchild of the principal, Saint Mary Kutty. The classes were attended by 200 men and women above the age of 40 who came each evening on weekdays. It began with the students of standards 9th and 10th, making a survey of the town and shortlisting almost 1,200 adults who were uneducated. 723 of these were women. तो अभी यहाँ पर आपको देखो तो मैंने details दिए, मैंने numbers दिए properly. और देखिए मैंने ऐसा राउंड फिगर नहीं दिया है, प्रॉपर नंबर दिया 720. आई डिड नॉट से 725, 720, 700, नहीं 723. ऐसे नंबर्स आपको यूज करने का. देन बिगन द मोटिवेशन वन प्रोग्राम. स्टूडेंट्स वुड फर्स्ट गो टू द रिस्पेक्टिव होम्स एंड ट्राई टू मोटिवेट द एडल्ट्स कंसर्न्ड. इफ दिस फेल्ड दे वुड गो विद द टीचर्स. फिर आगे इट वॉज हार्ड, वापस ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाला बड़ा ओपन लिखना है, कंटिन्यू करेंगे. इट वॉज हार्डनिंग टू नोट दैट देर वर अबाउट 200 एडल्ट स्टूडेंट्स बट द एम्फसिस वॉज ऑन ट्राइंग टू एनरोल सम मोर. द फंड फॉर बुक्स एंड अदर मटीरियल्स केम फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूज पेपर, ओल्ड क्लोथ्स एंड द लाइक एंड द लाइक. मतलब ऐसी चीजों के बारे में इनको बेच बेच कर पैसे कमाए गए. डोनेशन फ्रॉम पार्टनर्स एंड स्पॉन्सर्स हैव ऑल्सो हेल्प in a big way. Classes were conducted from 6:30 p.m. to 8 p.m. on the school premises. Different students took up teaching on different days. Shri Mary Kutty had drawn up the syllabus to be taught. It essentially consisted of the 3 hours. There was no homework and no examination. The adult students were also encouraged to talk about themselves. Teaching was done in the mother tongue. There were 4 classes, one each in Hindi, Marathi, Konkani and Malayalam. That's how you will end. So, यहाँ पर आपने कहीं पर भी पढ़ा कि मैंने बोला that I feel that the school should have done this or school should have done that. नहीं. जो भी information है proper आपको देनी है, ये याद रखिएगा, your title has to be first. So next line right hand side पे Shalini Pal students, ये लिखना पड़ेगा कि आप कौन हैं. और फिर यहाँ पर आएगा प्लेस कॉमा मंथ डेट. ओके, एनरोल मतलब एडमिशन लेना. अनदर एग्जांपल इज दिस. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ये आप खुद से लिखेंगे घर पे रिपोर्ट राइटिंग. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वंस यू टेक अ स्क्रीनशॉट लेट मी नो.
Okay, I think we are all done with this part. Okay, Gaurang, when is your exam, Gaurang? Gaurang, when is your exam? Okay, ho jayega tum bhai. Students, if there is any other topic that you people have, please write it down. Shubhra, yes, I am trying to look for something for notice writing. Please give me a moment, main dhoond raha hoon. Shubhra, notice writing khali aapko hi hai aur kisi ko nahi hai. Pure ke pure 800 mein se. Nobody has notice writing, only you have. I'm trying to look for something. Shubhra, currently I don't have anything with regards to notice writing. Gerund and participle is done, Shubhra. Gerund and participle is done. Shubhra, when is your exam? Can you please tell me the date? Shubhra, when is your exam? हाँ ठीक है, हो जाएगा Shubhra, don't worry. Anybody else who has something else? I've seen Gaurang's message, I've seen Shubhra's message, I've done. And then I have also seen Devin's message. इनके अलावा किसी और का मैसेज आया नहीं मेरे को कि हमको ये है वो है. Assuming that your portion is done, so Devin, Gaurang and Shubhra, don't worry, your portion will be done. हो जाएगा next week तक. Okay, so Gargi says her portion is over. So in that case, guys, I think then we should end the session today. It's been a long session today. Okay, everyone. अरे Shubhra बेटा, कितना टॉपिक्स है आपको यार एक सेमेस्टर के लिए, इतना सब कैसे पढ़ाऊं मैं? चले देखते हैं नेक्स्ट टाइम. चले बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू. रिमेंबर योर होमवर्क. हाँ.